बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट में एरे। तो हम सबसे पहले बनाना सीखते हैं एरे। एरे के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम लेंगे और उसको हम नाम दे देते हैं। मैं शॉर्ट सा नाम दे रही हूँ, एरे लिख रही हूँ, ठीक है। और इस इक्वल टू का साइन होगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस होंगी। यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, 1, 2, 23 कर देते हैं। अच्छा, कोमा किया सेपरेट करके। यहाँ पर मैं नेम भी दे देती हूँ और इसके अलावा ट्रू कर देती हूँ, फॉल्स कर देती हूँ, ठीक है। एरे बनाने का तरीक़ेकार हमारा ये। अच्छा, हम एक इस तरीके से बना सकते हैं और इसमें हम एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम टोटल एरे बना देते हैं नंबर्स का, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले यहाँ पर हम इसको देंगे नंबर और ये लिख दिया, ठीक है। अब हम जो इसमें इस एरे के अंदर जो भी पुट करेंगे वो सिर्फ नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज होगी। इसमें हम कोई भी क्या कहते हैं स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते। देखिए एरर क्या आ रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। जो आपने यहाँ टाइप बना दी है तो उसके अलावा कोई भी टाइप यहाँ पर नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप यहाँ पर इसको कोई टाइप असाइन नहीं करते तो फिर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके का आ रहे हैं, तो हमने ऐसा किया, फ़िलहाल न्यूमेरिक और बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ मैं इसको असाइन कर देती हूँ नंबर की टाइप। तो ये हमारा सिंपल सा सेंटेक्स है एरे बनाने का, ठीक है। एक और एरे बना लेते हैं, लेट एरे लिख दिया मैंने। और इसमें हम कर देते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल टू का साइन आएगा, स्क्वायर ब्रेसेस आएंगी। अब हम यहाँ करते हैं निम्रा, उसके बाद एक और नाम दे देती हूँ हमारा, उसके बाद कर देते हैं आतिका, ठीक है। इस तरह से आप ये नंबर्स की स्ट्रिंग भी बना सकते हैं और एरे बना सकते हैं और स्ट्रिंग की एरे बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स बूलियन की बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक, वो आ रहा है वी कैन स्टोर एनी वेरिएबल डाटा इन एरे, ठीक है। हम कोई भी डाटा की वेरिएबल इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई भी डाटा असाइन नहीं करते, लाइक मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम यहाँ पर कोई भी टाइप नहीं देते, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेट एवरी, ठीक है। असाइन कर दी हमने वैल्यू, मैंने दे दिया 1 हमारा और ट्रू कर दिया। कोई सीक्वेंस का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको कोई वैल्यू दी ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें एक और चीज़ छोटा सा मैं आपको सिखा देती हूँ कि एरे के अंदर हम ईच एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर कमेंट आउट किया हुआ था, ठीक है जी। तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग पे गए, ठीक है। यहाँ जो इसकी रॉन्ग ब्रेसेस आती हैं, ब्रैकेट आती हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद हमने एरे के जो हमने नाम दिया हुआ है वो लिखा, और क्योंकि एरे की जो वैल्यू है हम इस राउंड स्क्वायर ब्रेसेस में करते हैं, तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रेसेस लिखेंगे, ठीक है। और स्क्वायर ब्रेसेस को बल्कि पहले मैं आपको सिंपल सा इंडेक्स बाद में दिखाऊंगी, पहले हम सिर्फ एरे को प्रिंट आउट करवाते हैं कि इसको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगी, TSC नोट मेन डॉट js। आप देखें जो हमने एरे बनाई थी 1 हमारा 2 3, ये इसमें प्रिंट हो गया है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या सीख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू एक्सेस ईच एलिमेंट, ओके। वन बाय वन अगर हम करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसके तरीक़ेकार ये है कि कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम और एरे का जो नाम है वो लिखेंगे, और राउंड ये जो इसमें हमने राउंड ब्रेस सॉरी स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ किए हैं वो करेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने सेंटेंस का इशू कर दिया,
और इसमें हम इसका इंडेक्स नंबर देंगे। अच्छा, आपको याद रखना चाहिए कि इंडेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3। तो हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर दे रहे हैं 0। तो ये कौन सी वैल्यू पास करेगा? ये देगा 1। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं आपको। CLS करेंगे हम, csc.main.js। ये देखिए, पहली में इसने ये वैल्यू जो हमने दिया था खाली नॉर्मली हम जो एरे को प्रिंट किया था वो पूरी एरे आ गई, और यहाँ पर सिर्फ हमने जो इंडेक्स दिया है तो यहाँ पर ना 1 नंबर पास कर दिया। अच्छा, इसी तरह मैं ऐसा करती हूँ, ईच एलिमेंट को 1 by 1 पेश करते हैं। 0 के बाद मैं दे देती हूँ 1 नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, अमारा। ठीक है, कैपिटल लेटर में ही आएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा क्योंकि वहाँ हमने कैपिटल में ही दिया हुआ है। अच्छा, 1 कर दिया, 2 पे क्या आएगी, ट्रू आनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह 3 पे क्या आएगा, 3 ही आएगा क्योंकि 3 इसका इंडेक्स है और 3 ही हमने यहाँ पर वैल्यू दी है। अब इसको ज़रा देख लेते हैं, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ क्योंकि आपको ज़रा उसमें आसानी रहेगी। कमांड प्लेट, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल करते हैं। सीएमडी पे आ गए हम, csc.main.js। देखिए पहली वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। ठीक है, ये तो पूरी की पूरी जो हमने एरे प्रिंट की थी कंसोल में, ये तो वो आ रही है। ठीक है, उसके बाद 0 इंडेक्स पे 1 था तो वो आ गया, 1 इंडेक्स पे अमारा था तो अमारा आ गया, 2 इंडेक्स पे ट्रू था तो ट्रू आ गया, 3 इंडेक्स पे 3 था तो 3 आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा एक हमारा एरे बनाने का मेथड है, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।